साथियों, ब्रिक का यानी किडनी का पहला भाग हमने जारी किया है। उसमें जो चीज़ें चर्चा की जा चुकी हैं वो आप जानते हैं, लेकिन आज का किडनी पर जो ब्रिक पर चर्चा है वह चर्चा किडनी में डायलिसिस की क्रिया कैसे होती है इस पर फोकस करके होगी। और प्रश्नोत्तर भी आपका तैयार हो, बहुत अंदर घुस करके इसकी तैयारी हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि नेफ्रॉन से संबंधित जो किडनी से संबंधित विभाग होता है, एक अलग विभाग होता है, वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। एक पूरा का पूरा विभाग है, एक मोटी मोटी पुस्तकें होती हैं उसकी, बहुत ज़्यादा उसमें अध्ययन और बहुत विस्तृत क्षेत्र है इसका। लेकिन हम लोगों को सामान्य अध्ययन के पर्पज से, सामान्य जानकारी के पर्पज से, उपयोगी जीवन उपयोगी जानकारी के पर्पज से जितनी चीज़ें जानकारी चाहिए उसकी चर्चा करना है। तो देखिए, अब आपको इस पर चर्चा कर दे फिर से। देखिए, ये किडनी है, ये दोनों तरफ है, ये देख ही रहे हैं, और ये इसमें से मूत्रवाहिनी, और ये आप जो ये सब देख रहे हैं मूत्राशय, ये यहाँ पर, और ब्रिक धमनी रीनल आर्टरी, और ब्रिक सिरा, ये रीनल, ये आपका नीले वाला, ये वाला। तो इस तरह से आप ये इस पर चर्चा किया जाए, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब आइए हम लोग पहले थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। यदि ब्रिक यदि किडनी को ऊपर से नीचे की तरफ तक काटा जाए, यानी कि ऐसे काट दिया जाए, ऐसे ऐसे काट दिया जाए, तो इसके दो भाग दिखाई पड़ते हैं, नंबर एक कार्टेक्स और नंबर दो मेडुला। तो जो इसका जो काटने के बाद अंदर का जो भाग बचेगा वो उसका फिर बाहरी किनारा, बाहरी भाग, बाहरी छोर, बाहरी भाग जो है एक तिहाई केवल होता है, और यह एक तिहाई जो कार्टेक्स वाला भाग है ये पतला यानी थिन होता है। इसके अलावा जो भीतरी भाग है वो दो तिहाई भाग होता है, थोड़ा मोटा होता है उसके अंदर, ये जान लीजिए। तो कभी कभी ये कार्टेक्स और मेडुला इसके मुख्य दो भाग है किडनी के, ये आप जान रहे। कभी प्रश्न आ ही गया कि किससे संबंधित है, किस अंग से संबंधित है, तो कार्टेक्स और मेडुला आप जानते हैं, तो किडनी से बोल देंगे, आंसर लगा लेंगे। अगला ये है कि कार्टेक्स के थोड़ा सा देखिए, कार्टेक्स में प्याली जैसी संरचनाओं की भरमार होती है। जो कार्टेक्स होता है बाहरी किडनी का बाहरी छोर जो होता है, बाहर की तरफ आंतरिक बाहरी भाग, वो जो है उसमें प्याली जैसी रचनाओं की भरमार होती है, जिन्हें बोमन संपुट यानी बोमन कैप्सूल कहते हैं। जबकि मेडुला में शंकु जैसी रचनाएं भारी संख्या में पाई जाती हैं, शंकु जैसी रचनाएं जिन्हें पिरामिड कहते हैं। बोमन संपुट नेफ्रॉन में बनी संरचनाएं हैं जो कार्टेक्स वाले भाग में स्थित होती है, यानी ये कहे कि प्रत्येक नेफ्रॉन में बोमन संपुट होता है, उसी का भाग है। अब आइए देखिए ब्रिक यानी किडनी में डायलिसिस क्रिया कैसे होती है, इसको हम लोग विशेष रूप से पहले समझ लें, और इस समझने के साथ तब फिर आगे चलेंगे। देखिए, जैसे एक ये आंतरिक इसमें जो भी क्रियाएं होती है छलने की, उसका यहाँ हुबहू चित्र नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप नेट से या बुक में देख सकते हैं। लेकिन फिर आपको इसकी फंक्शनल इकाई जहाँ पर वो छलने का कार्य होता है, वो चयनात्मक छानने का कार्य होता है, क्या छाने क्या न छाने, कितना खराब चीज़ है, अपशिष्ट है, उसको बाहर निकालना, जो उपयोगी है उसको फिर से ब्लड में पहुंचाना, रखे रहना, बनाए रखना, इन सब पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहले ब्लड आता है किडनी में, ब्लड यहाँ से ऐसे आएगा महाधमनी, इसको अलग एक चित्र, यही चित्र उसमें हुबहू नहीं होता है, ये रेखा डायग्राम जो चित्र बना रहा हूँ ये समझाने के लिए कि आप उसके अंदर की रचनाओं में जो ब्लड को छानने की क्रिया होती है उसको समझ जाए, कैसे कैसे कहाँ कहाँ रक्त कैसे पहुँचते पहुँचते जाता हो, कहाँ कहाँ छनता है, कहाँ से पहले, ये जानना है। तो देखिए, महाधमनी यानी एओर्टा से ब्लड पहले यहाँ पर आता है ब्रिक धमनी में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चित्र दिखाया जा रहा है, इसमें आता है, इसके माध्यम से ब्रिक में, दोनों में चला जाता है, ब्रिक में आता है। अब आइए, ब्रिक एक बार में केवल एक ही कार्य करती है, एक स्टेपनी रहती है, एक कार्य नहीं करती है, रिजर्व रहती है, तो इसलिए फिर महाधमनी से ब्लड कहाँ जाएगा, ब्रिक धमनी में, वो ऊपर से आ रहा तो ब्रिक धमनी में, क्या ब्रिक धमनी के माध्यम से फिर अब किडनी में पहुंचेगा। तो ब्रिक धमनी फिर जो है विभाजित होकर के, यहाँ पर तीन चित्र तीर दिखाई दे रहा है, यानी इसका संकेत यह है कि विभाजित होकर के पतली पतली नलिकाओं में बदल जाता है। तो ये जो ब्रिक धमनिकाएं, उसको आर्टेरियोल्स कहते हैं, ब्रिक धमनिकाएं यानी अंग्रेजी में आर्टेरियोल्स कहते हैं। ये ब्रिक धमनिकाएं जो है फिर आगे विभाजित होती हैं, फिर से विभाजित होती हैं, और विभाजित होकर जाकर के नेफ्रॉन के बोमन संपुट में प्रवेश करती हैं, मैंने बोमन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन उसमें जाकर के प्रवेश करती हैं। जब जाके नेफ्रॉन के बोमन संपुट में प्रवेश करती हैं, तो वहाँ फिर वो अंदर जो प्रवेश करने वाली धमनिकाएं हैं, ब्रिक धमनिकाएं जिन्हें आर्टेरियोल्स कहते हैं, वो फिर प्रवेश करने के बाद उन्हें क्या कहते हैं, अपवाही धमनिकाएं। अपवाही धमनिकाएं
अफरेंट आर्टेरियोल्स, ये जो बोमन संपुट में जाकर प्रवेश करती हैं उनको कहते हैं। अब जो अपवाही धमनिकाएं फिर बोमन संपुट के अंदर बहुत बार विभाजित होकर के कोशिकाओं केशिकाओं का कुछ बनाती है, कैपिलरीज बनाती हैं। जैसे ये बाल है, ये बाल बहुत पतला होता है, ऐसे पतले पतले केशिकाओं का गुच्छ बनाती हैं, और वो केशिका गुच्छ को अंग्रेजी में ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ये जो केशिका गुच्छ है ये भी बोमन संपुट के अंदर। अब जाइए केशिका गुच्छ, इसमें फिर जो है यहीं पर छनता है ब्लड, लेकिन वो कैसे छनता अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले अभी कहाँ कहाँ पहुंच करके फिर से रुधिर प्रसंस्करण की प्रक्रिया में किडनी से फिर होते हुए फिर हृदय की तरफ कैसे ब्लड फिर वापस जाता है और कैसे क्या, ये सब जान लिया जाए पहले। तो केशिका गुच्छ, अब केशिका गुच्छ के अंदर जो है फिर से केशिकाएं जो होती हैं वो संयुक्त होकर के, यहां पर दिखाया जा रहा है ऐसा चित्र, ऐसे ऐसे यहां तक संयुक्त का चित्र, ये संयुक्त होकर के जब बाहर निकलती हैं तो पतली होकर निकलती हैं। और पतली जो बोमन संपुट में नलिकाएं प्रवेश कर रही थी अविवाही अफरेंट आर्टियोल्स, वो थोड़ी चौड़ी थी, लेकिन केशिका गुच्छ से जब नलिकाएं फिर से आगे निकल रही हैं तो संयुक्त होकर निकल रही हैं, बार बार संयुक्त होकर निकल रही है लेकिन थोड़ी पतली बनकर और निकल रही हैं, तो उनको कहते हैं अपवाही धमनिकाएं यानी इफरेंट आर्टेरियोल्स। ये यहाँ पर देखिए चित्र, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ संयुक्त हुई है, संयुक्त होने के बाद फिर बाहर निकल रही है। फिर जब बाहर निकल रही है इसी बीच कोशिका इनके बाहर निकलने के पहले बोमन संपिट की गुहा पड़ती है। बोमन संपिट की गुहा यानी कि कैविटी ऑफ बोमन कैप्सूल, उस कैविटी ऑफ बोमन कैप्सूल्स में द्रव इकट्ठा हो जाता है छना हुआ, जो कि क्योंकि डायलिसिस की थैली जो है कोशिका कुछ केशिका कुछ होती है ग्लोमेरुलस, इसी में छन गया। और छना कैसे भी इस पर भी चर्चा करेंगे, तो लेकिन छना हुआ द्रव यानी निस्यंद यानी फिल्ट्रेट किसमें इकट्ठा हुआ, बोमन संपुट की गुहा में, वो तो वहां पर बात होगी। अब ये आगे जो केशिका कुछ से नलियां निकल रही थी वो अपवाही धमनियां, ये फिर आगे चलकर विभाजित होकर के अनेक पतली 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 बार बार विभाजित होकर के ये जाकर नेफ्रान नलिकाओं पर आच्छादित यहाँ पर जो है इनको ढक लेती हैं, आच्छादित हो जाती हैं, और उन नेफ्रान नलिकाओं को आच्छादित होने के बाद उनको ढक लेने के बाद फिर वो संयुक्त होकर के फिर वहां पर जाकर के क्या करती हैं, फिर संयुक्त होती हैं, और संयुक्त होकर और पतली नलिकाओं में परिवर्तित होकर के फिर आगे जाकर थोड़ी सी आगे बढ़ के संयुक्त होकर के विभाजित होती है, फिर संयुक्त होती है, और फिर संयुक्त होकर के फिर जाकर वृक्क शिराएं बनाती हैं। ये वृक्क शिराएं इसमें जाकर पहुंच जाती हैं फिर आगे, और वृक्क शिरा के माध्यम से ब्लड फिर जो है हृदय में आगे जाने की प्रक्रिया हो जाती है। जैसे ब्लड संचरण जो सर्कुलेशन है, ब्लड पर संचरण है, ब्लड सर्कुलेशन है, उस क्रिया में फिर अनवरत आ जाता है ब्लड। अब लेकिन ये छना हुआ भाग यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये केशिका गुच्छ में क्यों छनता है। देखिए केशिका गुच्छ में और बोमन संपुट में प्रवेश करने वाली जो अविवाहित धमनिकाएं हैं थोड़ी चौड़ी होती हैं, इसमें से निकलने वाली संयुक्त होकर निकलने वाली फिर पतली महीन निकल के जो आती है अपवाहित धमनिकाएं वो पतली होती हैं। तो आप ये जानते हैं कि जब कोई मोटे नली से पतले नली में कोई चीज जाएगा तो वहां एक प्रेशर उत्पन्न होगा, एक दाब उत्पन्न होगा, प्रेशर। वो जो दाब उत्पन्न होता है उसी दाब पर उच्च दाब उत्पन्न होता है, उसी दाब पर फिर केशिका गुच्छ में रक्त का फिल्टरेशन हो जाता है, जो निस्यंदन हो जाता है, छनने की प्रक्रिया इसी केशिका गुच्छ में हो जाती है। अब जब केशिका गुच्छ में छनने की प्रक्रिया हो जाती है तो छनता क्या क्या है, देखिए हमारे शरीर में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं केशिका गुच्छ में जो छननी का काम करती है, 1 मिनट में 1 लीटर खून प्रवेश कर रहा है तो उसका 60% यानी 600 ml जो होगा वह प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा का भी केवल 10% छनता है। 10% छनने के बाद जो के बोमन संपुट की गुहा में पहुंच गया है, उच्च दाब उत्पन्न हुआ था अभी बताया गया, उच्च दाब उत्पन्न होने पर जो छनने की प्रक्रिया हुआ इसीलिए उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी हिंदी में कहें तो उसको कहेंगे परानिस्यंदन, उच्च दाब पर होता है, उच्च दाब पर। कहीं प्रश्न आएगा तो आप लिखना होगा तो हाई प्रेशर वहां पर बन जाता है। तो ये जो द्रव होता है बोमन संपुट की गुहा में इकट्ठा हो रहा है निस्यंद छना हुआ, ये पूरा का पूरा बेकार नहीं होता है, इसमें कुछ लाभदायक तत्व भी छन के आ जाते हैं, और जो लाभदायक तत्वों की मात्रा से अधिक होता है, अधिशेष होता है, अधिक अतिरिक्त होता है, जिनको शरीर की जरूरत नहीं होती उनको छान कर फिर मूत्र में बाहर निकालना पड़ता है, निकल जाता है। लेकिन जो शरीर के लिए रुधिर के लिए खून के लिए जरूरी होता है वो फिर से अवशोषित हो जाता है, तो उसकी भी चर्चा भी की जाएगी। देखिए संपुट यहां पर यह है, अब आपको यहां पर चर्चा कर दिया जाए कि जब ये द्रव यहां पर जो छरा हुआ है
ये फिर नेफ्रॉन नलिकाओं में जाता है डोमन संपुट की गुहा से। तो नेफ्रॉन नलिकाओं पर जो जाल है विभिन्न केशिकाओं का, रुधिर कोशिकाओं का, जो केशिकाओं का जाल है, यानी कि किसका जाल है, ब्लड कैपिलरीज का, वो फिर क्या करती हैं, नेफ्रॉन नलिकाओं में पहुंचे हुए निस्यंद को, जो उसमें उपयोगी तत्व तो है, उनको अवशोषित कर लेती है, फिर से अवशोषित कर लेती है, उसका 99% तक अवशोषित कर लेती है, केवल 1% बचता है जो मूत्र के रूप में आगे निकलेगा। तो उस तरह से वो अवशोषित कर लेती है, जिसको कहते हैं पुनरा अवशोषण, उसको क्या कहते हैं, री एब्जॉर्प्शन कहते हैं, फिर से अवशोषण हो जाता है। जिन लाभदायक तत्वों का अवशोषण था उसको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वो अभी आप उसको समझ जाएंगे। तो अब आइए कि ये मुख्य कार्य जो है इसका, मतलब नेफ्रॉन नलिकाओं का, यहाँ पर आपने समझ लिया कि ये कैसे फिर पुनरावशोषण चीजें कर लेती है। अब आइए इसको एक क्षणता क्या क्या है, रुधिर में से जो रुधिर आपके पहुंचते पहुंचते आके केशिका गुच्छ में जब पहुंचा था, जहां छना है वहां केशिका गुच्छ में क्या छनता है क्या नहीं छनता है, ये किडनी में चयनात्मक निस्यंदन होता है, यानी कि सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होता है, वो देखें। एक आधुनिक जो हम लोग चाय की छननी या पनीर उनीर कभी फाड़ के छानते हैं उसको समझ लीजिए, ये छननी है। मान लीजिए पनीर का उदाहरण ले लीजिए, पनीर हम छानते हैं तो लिक्विड वाला भाग नीचे आ जाता है और जो पनीर का हिस्सा है ऊपर यहाँ रह जाता है। ठीक इसी तरह से इसको अन्य उदाहरण, ये चित्र इसमें शामिल नहीं होता है लेकिन समझाने के लिए बताया जा रहा है। अब देखिए रुधिर का कौन सा भाग छनता है, केवल प्लाज्मा छनता है, और वो भी प्लाज्मा का केवल 10% छनता है, जो छना हुआ द्रव होता है उसी को निस्यंद या फिल्ट्रेट कहते हैं, वो यहाँ इकट्ठा करते हुए एक नया चित्र में दिखा रहा हूं। अब ये बोमन संपुट की गुहा, इसको मान लो जहां इकट्ठा हो रहा है, यहां से फिर जो है नेफ्रॉन नलिका में जाएगा। अब देखिए लेकिन क्या नहीं छनता है, ऊपर बचा हुआ पनीर जैसा, जो पनीर जो छानते हैं तो ऊपर बच जाता है पनीर, उपयोगी होता है। उसी तरह से ब्लड में से क्या नहीं छनता, प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं, ये नहीं छनती हैं। तो जब प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं नहीं छनती हैं, ये फिर से ब्लड में रुधिर प्रसंचरण के दौरान, ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जो है विभिन्न माध्यमों से गुजरते हुए वृक्कशिरा, और वृक्कशिरा से फिर जो है हृदय में पहुंच जाएगा ये वहां पर। लेकिन ये 10% जो छना हुआ द्रव है, इसमें से भी लाभदायक अवयव, लाभदायक तत्व जो है नेफ्रॉन नलिकाओं पर ऊपर आच्छादित जो कैपिलरीज है ब्लड की, रक्त केशिकाएं हैं, वो अवशोषित फिर से उनको कल के फिर से उपयोगी चीजों को ब्लड में पहुंचाने का काम कर देते हैं। तो दोस्तों आपको इस उदाहरण से मैं समझाने का यही प्रयास कर रहा हूं, जो नहीं छना है वो ऊपर है, बाकी जो छना है वो नीचे है। अब देखिए ये जो निस्यंदन हो रहा है ये कितना उपयोगी है, आप इस बात को समझ चुके हैं कि किडनी में डायलिसिस की प्रक्रिया कैसे होती है, कहाँ होती है। डायलिसिस की प्रक्रिया किडनी में उच्च दाब पर होती है और कोशिका केशिका गुच्छ में होती है। किसमें, केशिका गुच्छ में, ग्लोमेरुलस में होती है। और जब छान दिया, अब जैसे यहाँ पर छान दिया तो नीचे वाले को चीज हटाना चाहिए, हटाना पड़ेगा, ऊपर भी हटाते हैं। तो ये जो हटा करके नेचुरल उदाहरण ले लीजिए, जब हम पनीर फाड़ते हैं तो जो उपयोगी चीज है उसको फिर हम ले लेते हैं, बाकी चीजों को फेंक देते हैं। उसी तरह से उपयोगी चीजें ले जाती है, बाकी चीजें फेंक दी जाती है, ये है। अब दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किडनी से जुड़े हुए कुछ और चीजें देंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको ये चर्चा कर दें, किडनी द्वारा मूत्र उत्सर्जन के अलावा कुछ हार्मोन भी उत्पन्न किए जाते हैं किडनी द्वारा, वो क्या है, जैसे कैल्सिट्रियोल है, रेनिन है और एरिथ्रोपोएटिन, ये जो हार्मोन है ये किडनी इनका भी उत्सर्जन करती है, और इनके अपने अपने कार्य हैं। उन कार्यों पर और प्लस किडनी से संबंधित शेष कार्यों पर, मेन कार्य जो मूत्र उत्सर्जन का है ये बता दिया गया, अवशेष पदार्थों के उत्सर्जन का है। इसके अलावा इन इस डायलिसिस प्रक्रिया के से और क्या शरीर को लाभ होते हैं, कौन सा संतुलन बना रहता है, क्या नियंत्रण होता है, डिस्कशन बॉक्स में अभी मैं उसकी कुछ जानकारी दे रहा हूँ प्रश्नोत्तरी के रूप में, आपको काफी पसंद आएगा, आपके परीक्षा के लिहाज से भी उपयोगी होगा और जीवन उपयोगी होगा। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, एक दो शब्दों कमेंट करते रहिए, आपको अधिक सामग्री समय समय मिलती रहेगी।